जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैंने कमारी लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। है ट्रेड यूनियंस के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ, वो आज सड़कों पर हैं, पुरमन एहतजाज कर रहे हैं। इंडियन ट्रेड यूनियंस की तरफ से आज डिमांड ये है, हमको जॉब्स दिए जाए, नौजवानों को जॉब चाहिए। मांग ये है कि जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेटाइज जो बड़ी बड़ी कंपनियों को एस्टेब्लिशमेंट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जैसे रेलवे को, जैसे और जो भी हमारे सरकार के तहवील में डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, इनके पास एक ही इलाज है, जो भी हमारे मुल्क के एसेट्स हैं बड़े सरमायेदारों के हवाले किए जाए, उनको बेचा जाए, उसका नतीजा ये होगा कि रोजगार के वसाइल और कम होंगे, बेरोजगारी में इजाफा होगा। इसलिए हमारी मांग है कि निजकारी का सिलसिला, प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला बंद किया जाए, ये पहली मांग है। और दूसरी मांग हमारी ये है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। आशा वर्कर स्कीमों में काम करने वाले, NRHM में या इसके अलावा जो बाकी ICDS स्कीम में काम करने वाले हैं, कैजुअल लेबर हैं, कंट्रैक्चुअल लेबर हैं, आज तो बड़ा सिलसिला बन चुका है, आज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कम बल्कि कैजुअलाइजेशन, कंट्रैक्चुअलाइजेशन, आउटसोर्सिंग का सिलसिला शुरू किया गया है कि आज है कोई कहीं पर खड़ा, घर में मिठाई बांटे, मुझे रोजगार मिला, लेकिन शाम को पता नहीं वो रोजगार उसके हाथ में है भी या नहीं है। आपने रोजगार देने का जो आपने वादा किया है कि मिनिमम वेजेस को लागू किया जाए, जम्मू कश्मीर के जो ICDS स्कीम में काम करने वाले, जो NHM में काम करने वाले आशा वर्कर्स हैं, जो और एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करने वाले डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उन पर ये मिनिमम वेजेस कानून लागू क्यों नहीं होता? ये हमारा मुतालबा है कि ऐसा होना चाहिए। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ और भी निराला है सिलसिला, यहाँ और भी मनमानी है। वो मनमानी है कि मुलाजिमों का हक है प्रोटेस्ट करने का, मुलाजिमों का हक है एसोसिएशन बनाने का, लेकिन यहाँ एसोसिएशन पर भी कदगन, और अगर कोई प्लेटफार्म मौजूद भी हो उस पर भी तालाबंदी, उस पर भी रुकावटें डालना। इस तरह जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ट्रेड यूनियन राइट्स हैं, उनसे भी महरूम रखना, जम्मू कश्मीर के मुलाजिमीन को, कामगारों को, स्कीमों में काम करने वालों को, और जो कैजुअल डेली वेजर्स लोग हैं उनको, हमारा मानना है कि हमारे राइट्स को बहाल किया जाए, जो हमें आईन ने दिया है वो हमें मिलना चाहिए, हम और कुछ मांगते नहीं, ना माने। और इसी वजह से पूरे मुल्क में आज एहतजाज है। आज हमें कहा गया, हम चाहते थे लाल चौक में जाना एक प्रोसेशन की सूरत में, आवाज़ उठाते पुरमन तरीके से, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदारान हैं उन्होंने कहा है कि वो मुनासिब नहीं। बहरहाल हम कानून की पासदारी करते हैं,